हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का नेक्स्ट लेक्चर में जनरल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अभी तक हम लोग देख रहे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, तो एनिमल्स के अंदर जो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आते हैं उन्हें हमने स्टडी कर लिया है। अब हम लोग देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर कौन कौन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। क्लियर? सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में जितने भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैं जो एनिमल्स में भी होते हैं, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो हम सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी टाइप हैं, चाहे वो एनिमल्स है चाहे वो प्लांट्स है, हम सारे के सारे टाइप्स को अब यहाँ देखेंगे। सो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी अभी तक हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी टाइप्स देखे हैं सारे के सारे टाइप्स एनिमल्स के लिए हमने देखा था, और वो सारे टाइप्स हमें प्लांट्स में भी देखने को मिलता है, और जितना भी प्रोसेस वहां हो रहा था सारा का सारा प्रोसेस प्लांट्स में देखने को मिलता है, ये हम देखेंगे यहाँ पे। सो प्लांट्स में अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो यहाँ भी जो सबसे पहला मेथड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो कौन सा होता है? तो पहला टाइप जो है दैट इज सीजन। क्लियर? पहला टाइप कौन सा होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? फीजन। और जैसा कि हमने एनिमल्स के अंदर देखा था फीजन कितने टाइप का होता है? तीन टाइप का होता है। कौन कौन सा? बाइनरी फीजन, मल्टीपल फीजन एंड प्लाज्मोटॉमी। उसी तरह यहां भी जो फीजन होगा वो तीन टाइप का होगा। कौन कौन सा? मल्टीपल फीजन, बाइनरी फीजन एंड प्लाज्मोटॉमी। तो हम यहां उस पॉइंट को लिखते जाएंगे। सो इट इज ऑफ थ्री टाइप। पहला क्या हो जाएगा? बाइनरी फीजन। फर्स्ट वन इज बाइनरी फीजन। दूसरा जो इसमें टाइप होगा वो क्या होगा? मल्टीपल फीजन। मल्टीपल फीजन एंड थर्ड वन इज कौन सा फीजन? प्लाज्मोटॉमी। हमने ऑलरेडी यहाँ डिस्कस किया हुआ है एनिमल्स का, जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो वहां हमने क्लियरली देखा था कि जो फीजन होता है बाइनरी फीजन के अंदर क्या होता है, एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? बाइनरी फीजन। मल्टीपल फीजन में एक पेरेंट सेल बहुत सारे डॉटर सेल में क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं मल्टीपल फीजन। एंड प्लाज्मोटॉमी किसमें होता है? मल्टी न्यूक्लिएट पेरेंट में होता है, मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होता है, पहले साइटोकाइनेसिस होता है।